हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तनु शर्मा और आप देख रहे हैं स्माइलिंग गर्ल तनु। आज का मेरा जो वीडियो है वो मेरे लास्ट वाले वीडियो का सेकंड पार्ट है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप घर पर कैसे इजी वे में गुलाब जल बना सकते हैं, और आज के वीडियो में मैं उस गुलाब जल के बेनिफिट्स और उसके क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में बात करूँगी। तो अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले मेरा लास्ट वाला वीडियो देखिए और उसके बाद ये वाला वीडियो प्ले कीजिएगा। तो अब ज़्यादा बात ना करते, गुलाब जल के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। गुलाब जल के अगर फ़ायदों की बात की जाए ना, तो गुलाब जल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गुलाब जल हर स्किन टाइप पर सूट करता है। लाइक आपकी कॉम्बिनेशन स्किन हो, आपकी ड्राई स्किन हो, आपकी ऑयली स्किन हो, आपकी नॉर्मल स्किन हो, ये हर स्किन टाइप पर आपको सूट करता है गुलाब जल। गुलाब जल के दूसरे बेनिफिट की बात करूँ तो बता दूँ कि गुलाब जल स्किन के पीएच लेवल को कंट्रोल करता है। आपने मेरे लास्ट मेकअप ट्यूटोरियल में कई बार देखा होगा, मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप उसकी जगह गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं। तो गुलाब जल एज अ टोनर हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप गुलाब जल को एज अ टोनर यूज़ कीजिए और ये बहुत अच्छा किफ़ायती टोनर बनेगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है। गुलाब जल को आप एज अ फेस पैक में मिलाकर, लाइक चंदन पाउडर है उसमें गुलाब जल डालिए, मुल्तानी मिट्टी है आप गुलाब जल डालिए, बहुत अच्छा उसके बेनिफिट्स आएंगे। आप उसे यूज़ कीजिए और उसके बाद मुझे बेनिफिट्स ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं गुलाब जल के। अगर आपके फेस पर बहुत सारे एक्ने हो रहे हैं, एक्ने मार्क्स नहीं सिर्फ एक्ने हो रहे हैं, तो आप डेली गुलाब जल को अपने फेस पर स्प्रे कीजिए और उसे कॉटन पैड से हल्का हल्का या हाथ से हल्का हल्का डैप कीजिए और इसे आप रेगुलर 15 दिन यूज़ कीजिएगा। आपके एक्ने ऑटोमेटिक श्रिंक 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 होके धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। रात को नींद नहीं आती, सुबह उठते हैं आंखें थकी थकी सी, थकावट भरी आंखें, आंखों में सूजन आती है, तो ऐसी आंखों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रिज में सबसे पहले रखिए रोज़ वाटर, जब वो ठंडा हो जाए उसे बाहर निकालिए और कॉटन पैड पे रोज़ वाटर स्प्रे कीजिए, स्प्रे कीजिए, स्प्रे कीजिए। जब वो थोड़ा गीला हो जाता है कॉटन पैड, तो दो कॉटन पैड को अपनी आइस के ऊपर रख लीजिए और 15 मिनट तक उसे रख के छोड़ दीजिए, और जब आप हटाएंगे तो आपकी आइस का जो भी लाइक थकावट है वो 80% ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो 15 मिनट का खेल है ये। अगर आपके फेस पर एक्ने मार्क्स रह गए हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी बॉटल में रोज़ वाटर डालिए और उसमें आधा नींबू का रस डाल दीजिए और उसको अच्छे से हिला लीजिए और उसके बाद अपने फेस पे स्प्रे कीजिए। आपके धीरे धीरे लाइक महीने के अंदर अंदर आपके एक्ने मार्क्स सारे के सारे हट जाएंगे, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक स्टे करके रख सकते हैं फ्रिज में। रोज़ वाटर हमारी स्किन के साथ साथ हमारे हेयर्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, विंटर्स में तो ये प्रॉब्लम होती होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कीजिए ग्लिसरीन और रोज़ वाटर किसी बॉटल में डालिए, उसे अच्छे से हिला लीजिए और उसके बाद अपने यहाँ पर जहाँ जहाँ मांग निकाली ऐसे ऐसे मांग निकाली और उस पर स्प्रे करते जाइए, तो आप खुद देखेंगे मतलब आधा घंटा लगा छोड़ दीजिए, उसके बाद जब आप वॉश करेंगे आपकी डैंड्रफ काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होगी। एक ही यूज़ में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोग अपनी स्लीपिंग प्रॉब्लम रोज़ वाटर से कैसे दूर कर सकते हैं, बहुत ईजी ट्रिक है। रात को सोइए, अपने पिल्लों के आसपास रोज़ वाटर स्प्रे कीजिए, जब उसकी स्मेल आप सूंघेंगे उसको फील करेंगे ना, आइस खुद ही भारी 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 होने लग जाएगी और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ये चीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये जो रिज़ल्ट इसके मिले हैं या नहीं मिले हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं रेड वाला रोज़ वाटर और वाइट वाले रोज़ वाटर के डिफरेंट बताऊँगी। ये दोनों सेम ही यूज़ में आते हैं, बट इसका डिफरेंट ये है कि जो वाइट वाला रोज़ वाटर है उसको हम एज अ आई ड्रॉप आँखों में डाल सकते हैं, रेड वाले को नहीं डाल सकते हैं। और रेड वाले का बेनिफिट अलग सा ये है कि आप 1 मंथ रेड वाला रोज़ वाटर अपने मुंह पे स्प्रे कीजिए, दिन में लाइक पूरे 24 घंटे में 4 या 5 बार भी स्प्रे करते हैं ना, स्प्रे करके पोछना नहीं हो, उसे स्किन में ऑब्जर्व होने दीजिए। जब आप 1 महीना ट्राई कीजिएगा आपका फेस नेचुरल ब्लश करने लग जाएगा, आपको ब्लश की ज़रूरत नहीं होगी, आपके फेस पे एक पिंकिश टोन आ जाएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। तो देखा फ्रेंड्स, कितने सारे बेनिफिट्स बता दिए।
तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।